हमारी आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया और नेताओं ने देश को गिरवी रख दिया और लोगों ज्यादा समय नहीं लगेगा ये हमारा हिंदुस्तान फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। अभी पुलवामा में इतना बड़ा हादसा हुआ था फौजी भाई, किसी नेता का बेटा मारा गया, बताओ। ओ किसानों, तुम खेतों पे जूझ रहे हो और हमारे तुम्हारे भाई बाड़ों पे जूझ रहे हैं और नेता लखनऊ और दिल्ली एसी में ऐसे कर रहे हैं। और फिर भी अब नेताओं ने इनने तो बनाई सत्यानाश कर दो। अब पता नहीं कौन टाइम जो कौन सो गीत गाए बैठे। और हम तो यही कहेंगे लोगों, कोई भी कथा वाचक, कोई भी कलाकार हो, हम तो गाएंगे, लेकिन उस चीज पे आप मनन करिए कि हम कितना सत्य गा रहे हैं, कितना असत्य गा रहे हैं। अभी तुमने गीत सुना होगा, बड़ी जोर से बाहर चल लो, कहा है पपीता मजेदार यार तेरी बगिया, चल लो बताता ये कितना सच सब कितना सच है। चलो जाए छोड़ो, अभी ये गीत चला था, बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब पर, छज के ऊपर बाव बाजरो खिलियो फूल चमेली। अरे आप तुम तो पढ़े लिखे हो, हम जब तो मान सकते कि छत के ऊपर अगर खेत की मिट्टी ले जाओ, इतनी ऊंची डाल दियो और बाजरो बह दियो तो बाजरो उग जाए, बाजरो तो उग जाएगा, लेकिन चमेली को फूल लग जाएगा, बता चमेली का फूल नहीं लगेगा, लेकिन बारे गायक कलाकार पता नहीं कौन सा गीत कैसे गा दे जो हमारे सामान को दूषित कर रहा है, हमारे सामान को दूषित। अब तो सुधर जाओ तो शिक्षित हो गए भाई। अभी एक फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, आप लोगों ने भी सुना होगा, फिल्म तो हम नहीं जानते और हम तो अपनी जिंदगी में फौजी भाई जो भागवत सामने रखी है, अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में सिर्फ मैंने दो बार फिल्म देखी है और वो भी दो बार हमने दूध की जो दूध का कर्ज फिल्म है वही देखी। मैंने अपनी लाइफ में कभी फिल्म नहीं देखी, फिल्म को ना तो हमें नहीं मालूम है, गीत के बोल थे छत पे सोए थे बहन होई में कली समझ के सो गई और राणा जी माफ कर दे गलती हमसे हो गई। अब हमें ये बताओ, जब तू राण खूब जानते थे कि छत पे बहन होई सोए रहे हैं तो तू गई काहे, बताओ। और अब कह रहे कि हम पे गलती हुई मैं माफ कर दे, तो राण माफ करो जाओ तो पान हुई तो काट हो जाए, बताओ। चलो जो गीत छोड़ो, अभी एक गीत तो चला था, लड़की कमाल अखियन ते गोली मारे, ये तुम आओ सत्यानाश हो तुम आओ। जब बीएसएफ सीआरपी आर्मी आईपीपीएस जे बेचारे कहने बार्डन पे लगे कि नहीं बोले लखनऊ बाद बंबई दे मारो और बार्डन पे जाके लगाए दे और अखियन से गोली चलन दे, कहे कि दुनिया को बारूद खर्च हो गए, बता हमारे जवान ऐसा दिन है जब हमारे तुम्हारे जवान भाई शहीद ना होते हो जब भारत माँ की रक्षा करने के लिए, लेकिन धन्य तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई आप आगरा चले जाओ, ज्यादा दूर न जाओ, हरदोई में चले जाओ, हरदोई में अगर 10 लड़का मोटरसाइकिल लेके निकले और तत्काल 20 लड़कियां स्कूटी लेकर के निकल जाएंगी, स्कूटी लेकर निकल जाएंगी,
से लड़कन का रफ्तार कम हुई ना, से लड़कन का रफ्तार कम हुई समझदार हो, हमारी तुम्हारी ये बहन बेटियां लक्ष्मी को उपाधि दी गई है, इन्हें आवारा करोगे कोई चुरा ले जाएगा। अभी 100 रुपए अगर आप पिन डाल दें, गाड़ी के 10 मिनट नहीं लगेंगे और रुपए चले जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही लड़की को कभी शहर में घुमाना नहीं चाहिए। से लड़कन का रफ्तार कम हुई ना, ये तो नौजवानों की बात। एक महीना हो गया फौजी भाई, हम इटावा गए थोड़ी अपनी दवाई लेने के लिए। ये पवन लड़का मेरे साथ में रहे, के शर्मा है डॉक्टर इटावा में, जो ब्लड प्रेशर हार्ट के डॉक्टर है। तो हम दवाई लेने के लिए, डॉक्टर साहब बैठे नहीं रहे, तो हमने अपनी कार थी स्कॉर्पियो साथ से खड़ी कर दी और रोड पे घूमने लगी। जब रोड पे घूमने लगे तो हमने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक 80-90 साल की अम्मा रहे बना एक कपिल अम्मा और सदरी कुठला सी मोटी ताड़ी रहे, सो रिक्शा में बैठी आए रही। तो हमने कहा देखो 80-90 साल की उम्र है, दैया सलवार सूट व्यू पहने फिर रही है, घरे नाती अब पंती खेल रहे और बालन पर डाई कराई व्यू हो रही है, देख ले उठा के